उर्वशी और रजिता के कंपैरिजन की बात ने मुझे याद दिलाया कि कैसे फिल्म्स में खुद प्लेबैक देने का स्टार्स को शौक चढ़ गया है। उदिता गोस्वामी भी इसीलिए म्यूजिक सीख रही हैं। कंगना रनावत को भी ये शौक चढ़ा है। तनुश्री दत्ता भी इसी राह चल रही हैं और बाबुल सुप्रियो के साथ एक एल्बम करने की प्लानिंग कर रही हैं। प्रियंका तो अच्छा गाती ही हैं और उन्हें भी प्लेबैक सिंगिंग से कोई एतराज नहीं है। और बात अगर करीना की करें तो उन्हें हम फिल्म देव में सुन ही चुके हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त भी अपनी फिल्म्स में प्लेबैक कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन के इस टैलेंट को तो कितने ही फिल्म मेकर्स ने कैश किया और अब तो अभिषेक भी यही राह चल रहे हैं। उर्मिला के सक्सेसफुल सिंगिंग डेब्यू के बाद ऑडियंस को उनसे प्लेबैक की भी इच्छा है और इसीलिए हमने कुछ और स्पोर्टिंग स्टार्स से जानना चाहा कि क्या वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक आई वांट टू सिंग। आई एम हैप्पी दैट सिंगर्स आर एक्टिंग एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। नहीं, सिंगर तो मैं कभी बन नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ। नहीं, मैं बाथरूम में नहीं गाता, फिल्मों में कहाँ गाऊंगा। क्रिकेटर लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर एक्टर लोग सिंगिंग करेंगे और सिंगर लोग क्रिकेट खेलेंगे। वेरी गुड। सिंगिंग की बात हो रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमेश रेशमिया ने खास दोस्त इस्माइल दरबार को सिंगिंग करने पर मजबूर कर दिया है। एंड व्हाट अबाउट हिमेश's नेक्स्ट फिल्म? वो कर्ज का रीमेक तो कर ही रहे हैं, उन्होंने आपका सुरूर के सीक्वल का नाम भी डिसाइड कर लिया है। नाम है आपका सुरूर ए हिमेश भाई। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि हिमेश को खुद से बहुत प्यार हो गया है, उन्हें खुद के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अगर वो कर्ज का रीमेक कर रहे हैं तो ओम शांति ओम का क्या होगा? फराह खान की फिल्म भी कर्ज की लाइंस पर ही है ना? That was cleared by Farah long ago, क्योंकि उनकी फिल्म एक फिल्म नहीं कई फिल्म्स का मिश्रण है। बट फराह की बात आई तो हम उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे। फराह के भाई हे बेबी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी फराह और शिरीश हे बेबी करने वाले हैं। Yes, the proud couple will be embracing parenthood very soon. By the way, सुचित्रा पिल्लई भी प्रेग्नेंट है और इसीलिए बहुत ग्लो कर रही हैं। ग्लो तो बिपाशा का फेस भी हो रहा है। जहां उन्हें सैफ जैसा दोस्त मिला है, वहीं जॉन इब्राहिम उन्हें खास ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक 5-star रेस्टोरेंट में दोनों स्पेशल डिनर कर रहे थे और दोनों को इतने कोजीली बैठे देखकर नहीं लग रहा था कि इनके बीच कभी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। आफ्टर ऑल बिपाशा बासु भी तो इमोशनल हैं, उनका दिल भी घूम फिर कर वापस जॉन के पास आ ही जाता है। इतने सालों का रिश्ता जो ठहरा, जैसे सैफ का सेंस पर अटकता है। हैरान मत होइए, हमारी ब्रेकिंग स्टोरी में हम यही राज खोलने वाले हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।